सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं गर्मियों के एक पौधे के बारे में आपसे बात करूँगी। ये आप देख रहे हैं, ये एमरेलिस लिली है और ये जो है ये करीबन मेरे पास में इसके दो कलर्स हैं। जो बाजू में आप देख रहे हैं उसमें वाइट होता है और ये रेड कलर का है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा गार्डन है उसमें लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं मैंने मल्चिंग भी की हुई है और इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जो आम का जो बहुत बड़ा सा झाड़ लगा हुआ है उसके जितने भी पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं मैं क्यारियों में डलवा देती हूँ और ऊपर से मिट्टी डलवा देती हूँ, जिससे अभी देखिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे बहुत अच्छी खाद बन चुकी है और ये जो प्लांट हैं इनको मुझे एक्स्ट्रा कोई मैन्योर देने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा मैन्योर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अभी गर्मियों के सीज़न में इनमें खुद ब खुद जो है ये इनकी बर्ड्स निकल आती हैं और ये खिलने लगते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें लगाना बहुत आसान है। यदि आप बल्ब से लगा रहे हैं तो आप फरवरी फर्स्ट वीक में इनके बल्ब्स को आप लगा दीजिए गमलों में। जब आप गमलों में लगाते हैं तो गमलों में लगाने के लिए इसकी मिट्टी जो है आप ऐसे रखिए कि उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल आप रखिए, एक हिस्सा उसमें आप सैंड रखिए और एक हिस्सा उसमें अच्छे से बनी हुई खाद रखिए और फिर इनको लगाइए और कम से कम 6 इंच इनको नीचे आप दबाइए। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरे पास ये बल्ब से मैंने लगाया है और ये देखिए अभी धूप तेज़ होने की वजह से थोड़ा सा, और ये डबल लिली है, थोड़ा सा मुरझा गई है इसकी बर्ड्स वगैरह। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे लगाना भी आसान है, केयर करना भी आसान है। जब आप बल्ब लगा देते हैं तो उसको धूप में लगा दीजिए और धीरे धीरे करके जब उसमें थोड़ी सी आपको ऐसा लगे कि उसमें स्प्राउटिंग चालू हो गई है, थोड़ी सी लीफ निकल आई है, फिर आप धीरे धीरे करके उसमें मिट्टी डालते जाइए और जो है ऐसे उनको दबा दीजिए। इनको सालों साल गमले बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि जब पूरी गमला जो है आपका भर गया है बल्ब से, फिर आप इसे लगाइए और इसे अपने ग्रोइंग सीज़न में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं हर 15 दिन के अंतर पे, क्योंकि जब हम लगाते हैं तो इसमें वैसे ही हम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड करते हैं। इनको पानी आप बहुत दीजिए, फुल सन में रखिए। इनके फ्लावर्स जो हैं आप देख रहे हैं ये एक बार निकलते हैं तो ये कम से कम जो है 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आराम से रहते हैं ये फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ इनमें मिली बग लगते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इंसेक्टिसाइड जो है आप समय समय पर स्प्रे करते जाइए ताकि आपके प्लांट्स जो हैं वो स्वस्थ रहें। और महीने में एक बार आप इनमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो भी है वो आप डाल दीजिए। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक बार ही इनमें स्टिक निकलती है जिसमें 4 से 5 फ्लावर्स निकलते हैं और फिर ये चाहे दूसरी स्टिक निकले, क्योंकि नीचे जो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे प्लांट्स रखे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, उतनी ही होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं इनको ड्राई बर्ड्स को मैं हटा दूंगी, फिर देखूंगी। इसमें 2 स्टिक्स निकली हैं और ये ऑफ शूट्स निकल रहे हैं, इनके ऑफसेट्स जिसको बोलते हैं वो निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, चलते चलते मैं आपको दिखा दूँ शिमला मिर्च के बीजों का रिज़ल्ट, मैंने उस पर वीडियो बनाकर डाला है। तो इनके सभी के प्लांट्स जो हैं ये देखिए ये बड़े हो गए हैं। ये करीबन टोटल मेरे पास 9 प्लांट्स हैं और इनमें मैं महीने में 1 से 2 बार वर्मी कंपोस्ट एक एक मुट्ठी डाल देती हूँ, या तो गाय के बना हुआ अच्छा वाला गोबर की खाद और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। टाइमली मैं इस पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हूँ ताकि एफिड्स वगैरह ना लगे। और मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मैंने आप एक वीडियो बनाया था कि जरबेरा को, मरते हुए जरबेरा को किस तरीके से बचाएं, तो उसके भी मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। वो भी मेरा ग्रो होने लगा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और भी मैंने पीछे कुछ मरते हुए जरबेरा के प्लांट्स थे उनकी भी मैंने रूट्स निकाल के ये पीछे जो है पॉट्स में ये लगाई है। आपको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, ये एक एक करके मैं उंगली रख के दिखा रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।